जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। अगर आप टीवी या फिर सोशल मीडिया खोलते हो तो आपने देखा होगा एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा पर है कि सीआईएसएफ के कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया है एयरपोर्ट के भीतर। अब ये टोटली पॉलिटिकल मुद्दा है, इसके ऊपर हमारे इस चैनल पर बात करने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन हम इस पर इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें सीआईएसएफ इन्वॉल्व है और मेरा ये चैनल इंडियन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है। जो एस्पेक्ट मैं आपको आज बताऊंगा उसको प्लीज सुनिएगा, जिसको कोई कवर नहीं कर रहा। पूरे जो मीडिया चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो सभी इस पर पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं, लेकिन घटना के गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। कुलविंदर कौर कोई आम इंसान नहीं था, वो सीआईएसएफ का कांस्टेबल था। एयरपोर्ट पे जो घटना हुआ है, कंगना रनौत के ऊपर हाथ छोड़ दिया गया है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है किसान आंदोलन से। घटना यह हुआ था कि किसान आंदोलन के वक्त ये कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि किसान आंदोलन पर रहने वाले लोग 100 रुपए लेकर के वहां पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस किसान प्रोटेस्ट में कुलविंदर कौर की मम्मी भी वहां पर बैठी हुई थी। कुलविंदर कौर जब ये पोस्ट देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो मौके की तलाश में रहती है कि कब कंगना रनौत हमारे सामने आए। अब एक सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि कंगना ने जो ट्वीट किया था वो बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है। वो अपने पर्सनल अकाउंट से, वो अपने पर्सनल ओपिनियन पब्लिक के साथ में शेयर कर रही थी। अब इसको यहीं पर रोक देते हैं और समझते हैं कुलविंदर कौर की बैकग्राउंड। कुलविंदर कौर सीआईएसएफ का एक कांस्टेबल है और सीआईएसएफ जो है वो एक आर्म्ड फोर्स है। इसका मतलब कुलविंदर कौर के पास में हथियार भी हो सकता था, हालांकि उस दिन उसके पास में हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास में अगर सर्विस रिवॉल्वर या फिर हथियार होता और उस वक्त पर अगर उसका दिमाग खराब हो जाता और वो कंगना को शूट कर देती वहीं पर, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, यहां पर आम इंसान की बात नहीं है, आम इंसानों के द्वारा नेताओं को असॉल्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को मारा गया है, कन्हैया कुमार को मारा गया है, लेकिन सामने वाला, मारने वाला जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है ना सर, फिर वो उस यूनिफॉर्म से गद्दारी कर रहा है, क्योंकि लोगों के दिल में आज भी, पूरे देशवासियों के दिल में यूनिफॉर्म को लेकर के एक इज्जत है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। रात के अंधेरे में आप किसी गली से होकर के गुजरते हो, आपको डर लगता है, सामने एक पुलिस का बंदा आपको दिखता है कि वो यूनिफॉर्म पहन करके खड़ा हुआ है, आपके दिल के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि हम यहां से निकल सकते हैं, ये जगह सेफ है। इसी तरीके से जब आप एयरपोर्ट में जाते हो, आपको सीआईएसएफ का बंदा दिखता है, सीआईएसएफ के पर्सनल्स दिखते हैं, आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि हाँ, हम सेफ जगह पर हैं। अगर सीआईएसएफ का ही बंदा लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, वो भी अपनी पर्सनल रीजन के लिए, पर्सनल पॉइंट के लिए और पॉलिटिकल पॉइंट के लिए, फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहां पर जाएगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फिर कहां गया इस देश के फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? हम बात करना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड में ऑल आईज ऑन राफा करके बहुत सारे कैंपेन चलाए गए। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएएसएफ या फिर पुलिस के बंदे इस ऑल आईज ऑन राफा को देख करके खुश नहीं था, वो भी ऑफेंड हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिफॉर्म में रहते हुए कभी भी जाकर के किसी बॉलीवुड स्टार को गोली मार दे या फिर उसको थप्पड़ मार दे या फिर उसका असॉल्ट कर दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये ट्वीट किया था या फिर उन्होंने ये स्टोरी शेयर की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स मौजूद है जो डायरेक्टली बेबुनियाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। अब इससे भी बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स नाखुश हैं। इसका मतलब क्या यह है कि रवीश कुमार जब बाहर निकलेंगे तो पुलिस का बंदा आएगा, यूनिफॉर्म पहन करके बिना वजह उसको पीट देगा? ये कहां की कानून है सर? रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, ध्रुव राठी जो करता है वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लोगों को देखना है देखो, ना देखना है ना देखो यार। अगर आप देखने के बाद भी ऑफेंड होते हो और अगर आप यूनिफॉर्म में हो और यूनिफॉर्म में रह करके आप कोई कांड करते हो, तो पूरी तरीके से जो क्वेश्चनिंग है वो सीआईएसएफ के ऊपर होना चाहिए। सीआईएसएफ में जो कुलविंदर कौर का बॉस है, उसके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाना चाहिए। उसको पता नहीं है कि उसके टीम मेंबर क्या करने वाले हैं, उसको पता नहीं है कि उसके टीम मेंबर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, जो किस तरीके से किस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकली उसका बैकग्राउंड क्या है। अब ज्यादातर लोग इसमें राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, वो अच्छी चीज है, वो आपका काम है, वो आपका राइट है, लेकिन हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। अब बेशर में देखिए, विशाल ददलानी करके बॉलीवुड का एक बंदा है, उन्होंने कहा है कि कुलविंदर कौर को अगर सीआईएसएफ से निकाल दिया जाता है तो उसको जॉब हम देंगे। मैं उससे पूछना चाहता हूं, सर क्या आप एयरपोर्ट नहीं जाते हो? क्या आप सीआईएसएफ के बंदे से चेकिंग नहीं करवाते हो? अगर चेकिंग के वक्त वो आपको थप्पड़ मार दे या फिर गोली मार दे, फिर क्या होगा? और इस पूरे भारतवर्ष में जितने भी एयरपोर्ट है, सभी जगह पर अगर सिक्योरिटी पर्सनल्स ऐसा करना शुरू कर दे, आप कितनों को जॉब दे सकते हो? मैं नंबर पूछना चाहता हूं विशाल ददलानी से, नंबर तो बताओ कि हाँ, अगर कोई भी कहीं पर भी कुछ भी करेगा यूनिफॉर्म में, किसी को भी मारेगा, तो हम जॉब देंगे। ये भी तो बताओ कितना जॉब हम दे सकते हैं। पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है भारतीय एयरपोर्ट, वीवीआईपी से शुरू करके साधारण इंसान सब अपने ज़रूरत के वक्त पर एयरपोर्ट में आपको जाते हुए दिखेंगे, और वहाँ पर जाकर के अगर सिक्योरिटी पर्सनल्स ही ऐसा काम करेंगे, फिर भारत के जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी, किस वर्दी के ऊपर भरोसा करेगी सर? ये भी तो बताओ। कंगना रनौत ठीक है, गलत है, कुलविंदर कौर कौन है, किस तरीके से उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये सभी सेकेंडरी टॉपिक है।
पहला टॉपिक है CISF। CISF ने यह काम किया है, जब कोई वर्दी पहनता है और वर्दी पहन करके कोई क्राइम करता है तो पूरा जो यूनिट है और पूरा जो फोर्स है वो बदनाम होता है। यही काम हुआ है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि CISF अपने काम को सही तरीके से करने में कैसे चूक गई और कैसे पूरे जनता के दिल और दिमाग में यह बस गया कि CISF का बंदा है एयरपोर्ट में, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पर्सनल इश्यूज को किसी भी वक्त पर हमारे ऊपर थोप सकता है, हम एयरपोर्ट में भी सेफ नहीं हैं। ये चीज लोगों के दिल और दिमाग में क्यों गई, मैं CISF से पूछना चाहता हूं। आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। सर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।